वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस का नेतृत्व पूरी तरह से विफल हो गया है। उनके लोग लगातार मैदान छोड़ रहे हैं, कहीं उनके प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे रहे हैं तो कहीं उनके घोषित उम्मीदवार खुद ही अपनी उम्मीदवारी वापस ले रहे हैं और कहीं कहीं भाजपा में शामिल होकर जानबूझकर अधूरा नामांकन पत्र भर रहे हैं। इस देश की जनता कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के नेताओं की असलियत जानती है और इस देश की जनता उनके मंसूबों को भी सफल नहीं होने देगी। देखिए, कांग्रेस का नेतृत्व पूरी तरह फेल हो चुका है। आप देख रहे होंगे कि उनके लोग जब अपने स्वयं के नेतृत्व पर विश्वास न होने के कारण लगातार कांग्रेस के प्रत्याशी भी फील्ड छोड़ करके भाग रहे हैं। कहीं उनके प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे रहे हैं, कहीं पे उनके घोषित प्रत्याशी स्वयं अपनी प्रत्याशिता वापस लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और कहीं पर वे अपनी जान बूझ करके अपने नामांकन प्रपत्रों को अधूरा भरने का काम कर रहे हैं। ये नेतृत्व के प्रति इससे बड़ा विश्वास दूसरा नहीं हो सकता है। तो अपनी इस खींच को मिटाने के लिए वह इस ओर जनता का ध्यान न जाए, इसके लिए वह उल जुलूल और मनगढ़ंत आरोप लगा करके देश के ध्यान को बांटने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ये देश जानता है, इस देश की जनता जनार्दन जानती है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के नेताओं की वास्तविकता को जानती है और उनके मंसूबों को कभी भी देश की जनता जनार्दन पूरा नहीं होने